सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 9, इशू ऑफ डिबेंचर्स। बच्चों, आई बिलीव ये पार्ट नंबर 2 जिसमें मैंने इशू ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी इशू ऑफ डिबेंचर्स का एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, मेनली एट डिस्काउंट वाला केस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो आई बिलीव कि आप वो देख के आए। अगर जिसने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख के आइए, लाइन वाइज चलिए तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है? तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पर बना आ रहा होगा। तो बच्चों, आज वाला जो टॉपिक है, प्लीज़ ये चीज़ मत पढ़िए, इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। नॉर्मल एक स्टोरी से समझाऊंगा और इसमें कॉमन सेंस के थ्रू, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, एक कहानी के थ्रू एक टॉपिक को समझोगे तो ज्यादा देर तक याद रहता है, ठीक है ना? और कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो आपको फर्दर क्लासेस में भी फायदा होगा, ठीक है? तो बच्चों, आज तक सर हम ये सीख रहे थे कि ये एक कंपनी है और ये डिबेंचर होल्डर्स हैं, ये इसको पैसा देते हैं और ये इसको डिबेंचर देते हैं। बस सर यही सीखा है, अब और कुछ नहीं सीखा। बच्चों, आज एक नया केस है, एक नया दिन है। तो आज क्या होगा कि ये जो कंपनी है ये लोन लेने जा रही है एक बैंक से, ठीक है? ये है हमारा बैंक। आज जो चर्चा होगी वो कंपनी और बैंक के बीच में होगी, इंडिविजुअल, ये जो संसार, जनरल पब्लिक, इनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है? आज जो हम चर्चा करेंगे, आज जो हमारा मेन मोटिव ऑफ डिस्कशन रहेगा, वो रहेगा कंपनी ने लोन लिया है बैंक से, ठीक है? सो कंपनी टुक अ लोन ऑफ रुपीज, मान लीजिए 20 लाख फ्रॉम अ बैंक, ठीक है? मुझे अब फटाफट से बता के चलिए, जो बच्चों को थोड़ी बहुत में नॉलेज है वो अपने आप जवाब दीजिए कि कभी भी कंपनी अगर कोई लोन लेके चलती है बैंक से, अभी डिबेंचर्स वगैरह भूल जाओ, अभी वो चर्चा नहीं कर रहे, नॉर्मल चर्चा, कंपनी जब लोन लेती है बैंक से तो बैंक क्या ऐसे 20 लाख रुपए का लोन दे देगा कि लो जी आप हमारे रिश्तेदार हो, ले जाओ लोन? ऐसा नहीं होता। आप सब जानते हैं कि बैंक कुछ गिरवी रखवाता है एज अ सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से। हाँ सर, बिल्कुल, ये चीजें तो मैंने सुनी है कि अगर बैंक लोन देता है तो कुछ कहता है कि कुछ गिरवी रखवा के जाइए, तब मैं आपको कुछ लोन देके चलूंगा। अब बहुत से सवाल बच्चे पूछ के चलेंगे कि सर गिरवी कितनी अमाउंट रखवाता है। बच्चों, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे सब दोस्त हैं, थोड़े बहुत दोस्त हैं जो बैंकिंग में है, जो बेसिकली दे बिलोंग टू मॉर्टगेज डिपार्टमेंट, इस पर भी अभी चर्चा करेंगे। तो उनसे मैंने पूछा कि यार अगर एक कंपनी एक बैंक से लोन लेके चलती है, मान लीजिए 20 लाख रुपए का, तो तुम कितनी चीजें, अभी चीजों की बात नहीं हो रही, बस मैं ये पूछ रहा हूं कि कितने रुपए की सिक्योरिटी, कितने रुपए की चीजें गिरवी रखवा के चलोगे। वो कहता है कशिश, अगर 20 लाख रुपए का हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं ना किसी को, तो हम उससे कम से कम बता के चल रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट फिगर्स, बट कशिश कम से कम हम उससे 40 लाख रुपए की चीज को गिरवी रखवा के चलेंगे, मतलब एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख के चलेंगे। फिर मैंने उससे पूछा इसका रीजन। बच्चों, नॉर्मल जैसे समझा रहा हूं वैसे से समझना, अभी और आगे दिमाग मत लड़ाओ, जो चीज पूछ रहा हूं वो बताओ। तो कहता है 20 लाख का अगर लोन देना है तो 40 लाख की चीज गिरवी रखवा के चलेंगे। मैंने कहा यार ऐसा क्यों होता है? कहता ऐसा इसलिए होता है कि भगवान ना करे, वैसे तो हम पॉजिटिव माइंड के साथ है कि वो 20 लाख रुपए आगे आने वाले टाइम में हमारा जो लोन है वो लौटा देगा, बैंक बोल के चल रहा है। तो कहता बट कशिश कभी कभार ऐसे होके चलता है कि वो 20 लाख रुपए नहीं लौटा पाता, उसके बाद प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स। तो बैंक वालों की जो लीगल फीस लगती है, अभी पता नहीं कशिश कितने साल ये केस चलेगा। मान लीजिए 10% का इंटरेस्ट रेट था, तो 20 लाख का 10% 2 लाख, कहता 2 लाख और जाएगा, पता नहीं यार कितने सालों तक करना है। तो ये जो जेब से पैसा है क्या बैंक पे करके चलेगा? नहीं भाई, बैंक का मेन रीजन कि 20 लाख का लोन है तो 40 लाख की चीज अपने पास गिरवी रखवा ली, इसका मतलब क्या होता है कि भगवान ना करे अगर वो नहीं दे पाए लोन, तो जितनी भी लीगल फीस है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगी जा रहा है उस अमाउंट का, पता नहीं कितने साल केसेस चलेगा, वो यहां से जो एक्स्ट्रा अमाउंट गिरवी रखी है यहां से रिकवर कर पाए। तो बच्चों, आपका फर्स्ट डाउट मैंने क्लियर कर दिया, अभी कोई डिबेंचर्स नहीं बात कर रहा हूं, अभी और कोई बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल मैं एक बैंक लोन की बात कर रहा हूं। तो समझ में आया, आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि यार 20 लाख रुपए का लोन है बट मेरे से ये 40 लाख क्यों गिरवी रखवा रहे हैं, तो आप ये आंसर देके चलेंगे। फर्स्ट चीज क्लियर कर लिया हमने, ठीक है? अब सेकंड चीज, सर ये चीज तो क्लियर हो गई कि गिरवी हम इतनी अमाउंट रखवाएंगे, बट मेन चीज सर गिरवी रखवाएं क्या? अगर कंपनी और बैंक की बात कर रहा हूं, कंपनी लोन लेके चल रही है बैंक से, यार तुम खुद 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 बता के चलो, बैंक क्या ये नहीं चाहेगा कि मुझे जो चीज गिरवी रखवा रही है कंपनी वो फिजिकल चीज हो? फर्स्ट प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं, वो फिजिकल चीज हो। फिजिकल चीज मतलब फटाफट से बताएंगे, फिजिकल आइटम हो। फिजिकल आइटम मतलब प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, लैंड,
कोई अपना कोई जो कंपनी कंपनी का जो गोडाउन होएगा वो रखवा दो, जो फिजिकल चीज हो, ठीक है ना। तो जो कंपनी जो बैंक होगा वो कंपनी को कहेगी कि 40 लाख की जो चीज है गिरवी, आप मेनली पहले पहले ना मुझे फिजिकल बताइए आप क्या चीज रखवाना चाह रहे हैं गिरवी, ठीक है ना। तो फिजिकल आइटम वो गिरवी रखवाते हैं। बट बच्चों कभी कभी क्या होता है, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू गिव द होल अमाउंट। जो 40 लाख की 40 अमाउंट 40 लाख अमाउंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि पूरी प्रॉपर्टी की ही गारंटी दे दें उनको कि मैं आपको प्रॉपर्टी गिरवी रखवा देता हूँ। कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। वो ये बोल के चलता है कि यार 40 लाख में से तो 20 लाख मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रख दो, ठीक है, और बाकी के 20 लाख क्या क्या करें, बाकी के 20 लाख पे अब हम चर्चा करके चलेंगे जिस पे हमारा चैप्टर बना है। यहां तक समझ में आई चीज के नहीं आई, वो क्या के चल रहा है कि 40 लाख में आपको गिरवी रखवाता हूं, 20 लाख की तो मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रख लो। मुझे फटाफट से बता के चलो इस चीज पे अगर मैं चर्चा करके चलूं इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी, जैसे ये 40 लाख थे ना, ये 40 लाख थे, वो कहता है 20 लाख की तो मेरी प्रॉपर्टी रख लो गिरवी। अभी उस पे बाकी के 20 लाख पे अभी चर्चा करते हैं, अभी इस पे करो। तो बेटा ये जो 20 लाख की प्रॉपर्टी जो हम गिरवी रख रहे हैं इसको एक इंग्लिश के शब्द से डिनोट करके चलते हैं, मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दो, मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर लो। इसका मतलब होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं एज अ आपके पास गिरवी रख रहा हूं। मुझे फटाफट से बता के चलिए बच्चों, किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी इसके मतलब क्या हुआ। मान लीजिए उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया, क्या घर के पूरे लॉक्स वगैरह लगा के ताले वगैरह लगा के वो क्या बैंक को दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। इस पे लिखी जाती है, इस पे एक एग्रीमेंट में एक पॉइंट लिखा जाता है, अगर मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, अगर मैं ये पैसे लोन के नहीं लौटा पाया तो मैं आप लोगों को, बैंक को बोल रहा है, कंपनी बैंक को बोल रही है, तो मैं आप लोगों को हक देती हूं कि आप मेरी प्रॉपर्टी पे अपना राइट ले लेना। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे दे रही हूं, दैट मींस मैं अपनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी एज अ गिरवी रख रही हूं। चलो जी अभी तक लोन की पे करने की बारी तो आई नहीं है, उससे पहले ही बैंक वाले कब्जा मार के बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों इस चीज का मीनिंग समझ लो क्योंकि अभी ये आगे एंट्री में आपको काम आएगी। तो मुझे फटाफट से बता के चलो कि जब 40 लाख का लोन लिया उसमें से 20 लाख रुपए तो कंपनी वाले कह रहे हैं मैं अपनी कंपनी का गोडाउन दे रही हूं, प्रॉपर्टी दे रही हूं, इसको आप मॉर्गेज कर लीजिए। तो इसमें थोड़ी बहुत अकाउंटिंग वाली साइड पे आओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसकी कोई जर्नल एंट्री बनती है? नहीं सर, एसेट तो हमारे पास ही पड़ा है, उस एसेट को हम यूज कर रहे हैं, कंपनी उस एसेट को यूज कर रही है। मॉर्गेज में एक बकायदा एक्स्ट्रा एग्रीमेंट बनता है जिसपे ये लिखा जाता है अगर मैं ये पैसे ना दे पाऊं लोन का, जिस दिन से पैसे ना दे पाऊं ड्यू डेट पे, अगर मैंने प्रॉपरली पैसे नहीं दिए तो उस दिन से इस प्रॉपर्टी पे आपका राइट आ जाएगा, उस दिन से। अभी नहीं, अभी सिर्फ मैंने गिरवी रखवाई है, यूज तो मैं कर रही हूं, ठीक है। तो बच्चों फटाफट से मुझे बताइए, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देते हैं, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देते हैं, वेदर देयर इज नीड टू पास एनी जर्नल एंट्री ऑफ इट? सर इसमें क्या जर्नल एंट्री है, तो कागज का टुकड़ा जिस पे लिखा गया, बात खत्म, प्रॉपर्टी मेरी है। तो बच्चों इस केस में होगी नो एंट्री। समझ में आया ये पॉइंट कि नहीं आया? लॉजिकली समझाया, बच्चे इसको रट्टा मारते हैं कि नहीं मॉर्गेज और प्रॉपर्टी की कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, समझो ना, क्यों नहीं हो रही, ठीक है। अब बाकी बात आई सर 20 लाख रुपए की, तो उसने प्रॉपर्टी रखवा दी, बाकी 20 लाख का क्या करें? ओ माई गॉड बच्चों, बाकी 20 लाख का जो कंपनी है, अब मेरी बात समझना क्या होगा, जो कंपनी है वो क्या बोल के चल रही है बैंक वालों को। कंपनी कह रही है ये कंपनी हो गई, ये तो केस खत्म हो गया था, और ये बैंक हो गया, हम चर्चा कर रहे हैं बाकी के 20 लाख की। कंपनी ये बोल के चल रही है बैंक को कि मैं आपको अपने डिबेंचर्स, मैं लिख भी देता हूं कि मैं आपको अपने डिबेंचर्स गिरवी रख रख रही हूं। इसका मतलब बहुत डीप मीनिंग है, इसको प्रॉपर्टी से ही समझ के चलना। कंपनी बोल रही है कि मैं आपको अपने डिबेंचर्स गिरवी रख रही हूं एज अ कॉलेटरल सिक्योरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलेटरल सिक्योरिटी का तो मीनिंग आ गया, कॉलेटरल का मतलब ये होके चलता है इफ आई एम नॉट एबल टू पे योर मनी, आपका इस पे राइट आ जाएगा,
समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चों? फिर मैं समझ लो दोबारा से मेरे से, जब प्रॉपर्टी करके चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को जब आप मॉर्गेज कर रहे हो, दैट डजन मीन, वो एक तरीके से बस आपने गिरवी रखी है, दैट डजन मीन कि बैंक का उस पे, बैंक वाले आके बैठ जाएंगे उस प्रॉपर्टी पे। नहीं, बैंक का हक कब शुरू होगा उस प्रॉपर्टी पे? अगर मैं पैसे दे के नहीं चल रहा हूं, तब बैंक वाले इस प्रॉपर्टी पे राइट पालेंगे। तब तक कोई राइट नहीं है, उस प्रॉपर्टी में मैं आराम से रहूंगा, ठीक है। उसी केस में अगर मैं डिबेंचर्स का केस लेके चलूं, डिबेंचर्स के केस में कंपनी ये बोल के चल रही है कि मैं आपको अपने डिबेंचर्स गिरवी रख देती हूं। अपना दिमाग थोड़ा सा यूज कीजिएगा और मुझे बताइए वेदर इट इज अ इशू ऑफ डिबेंचर। क्या कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं बैंक को? बिल्कुल भी नहीं। इसका सीधा सीधा आंसर होगा सर नो। डिबेंचर्स कंपनी कब इशू करके चलेगी? अब समझ के चलो, इसको प्रॉपर्टी वाले एग्जाम्पल से रिलेट करके चलना। अगर मैं, ये जो 20 लाख का तो हो गया खत्म बात, अगर मैं लोन के पैसे नहीं दे पाई, कंपनी बोल रही है अगर मैं लोन के पैसे नहीं दे पाई, तब जो मेरी कंपनी में डिबेंचर्स मैंने आपको गिरवी रखवाए थे पहले, उसको मैं आपको इश्यू कर दूंगी। उस टाइम पे प्रोसीडिंग्स होंगी डिबेंचर की। क्या डिबेंचर्स जब कंपनी ने गिरवी रखवाए हैं तब इशू हुए थे? नहीं सर, तब इशू नहीं हुए थे। इशू कब होंगे बच्चों? इशू तब होंगे इफ इफ कंपनी इज नॉट एबल टू मेक अ पेमेंट ऑफ लोन। सब बच्चे लिखेंगे प्लीज, इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। कहता है इफ कंपनी इज नॉट एट ऑल एबल टू मेक अ पेमेंट ऑफ लोन, देन देन प्रोसीडिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स विल बी हेल्ड। कहता है जो डिबेंचर्स आपने एग्रीमेंट किया था ना कि मैं आपके पास गिरवी रखवा रही हूं, उस टाइम पे डिबेंचर्स इशू नहीं हुए हैं, उस टाइम पे कंपनी के डिबेंचर्स नहीं बढ़े हैं, ठीक है ना। कंपनी की बैलेंस शीट में भी उस टाइम डिबेंचर्स नहीं आने चाहिए, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है। कहती बट अगर कंपनी लोन पे नहीं कर पाती, अगर कंपनी लोन पे नहीं कर पाती उस टाइम, फिर कंपनी वाले कहेंगे आपने लोन नहीं दिया और डिबेंचर्स हमारे पास आपके गिरवी रखे हैं। चलिए प्रोसीडिंग शुरू कीजिए इशू ऑफ डिबेंचर्स की। तो बच्चों अभी तक जितना समझ में आया मुझे, क्या आप बता के चलेंगे? हाँ सर, हम बता के चलेंगे। बच्चों फटाफट से इसमें क्या होता है, इसकी बात अगर मैं करूं जर्नल एंट्रीज की, जर्नल एंट्रीज की अगर आपने ऊपर वाली स्टोरी अच्छे से समझ ली है और जर्नल एंट्री शुरू होती है शुरुआत से, शुरुआत से क्या चीज हुई होगी वहां से जर्नल एंट्री शुरू होती है। मुझे फटाफट से बताइए शुरुआत से क्या जर्नल एंट्री शुरू हुई थी। अभी इसको मॉर्गेज वाले को छोड़ दो, चलो मॉर्गेज वाले को भी ले लो। अभी कैसे शुरू हुई थी? सर हमने 40 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया था, फर्स्ट चीज ये हुई थी। सेकंड चीज सर हमने जो मॉर्गेज किए हैं ना, एसेट को मॉर्गेज किए हैं सर, सेकंड चीज वो हुई थी। और थर्ड चीज सर हमने 20 लाख रुपए, हमने जो बाकी बचे हुए 20 लाख रुपए हैं उसके डिबेंचर्स एज अ गिरवी रख दिए, इशू नहीं किए हैं। अब इसमें भी दो केसेस हैं, अभी हम पढ़ के चलेंगे। फर्स्ट केस इसमें भी दो केसेस हैं, ठीक है। सो फर्स्ट केस क्या है कि एंट्री इज नो नीडेड टू बी पास्ड फॉर, एंट्री इज नो नीडेड टू बी पास्ड फॉर डिबेंचर्स जो गिरवी रखे हैं। कहता है एंट्री इज नो नीडेड टू बी पास्ड फॉर डिबेंचर्स जो गिरवी रखे हैं। और सेकेंड केस क्या होगा? एंट्री इज नीडेड टू बी पास्ड जो डिबेंचर्स गिरवी रखे हैं। मैं जानता हूं सभी बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर अभी तक डिबेंचर्स इशू नहीं करे और गिरवी रखे हैं, उसकी कैसे एंट्रीज पास करेंगे? समझेंगे, आराम से थोड़ा पेशेंस रखिए। सो डिबेंचर गिरवी रखे हैं बच्चों। पर्सनली अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, पर्सनली मैं बोलूंगा आप ये करके चलेंगे, एंट्री करके ही चलनी है आपने। मैं बताऊंगा कैसे, उसमें आपको पता लग जाएगा, अच्छा सर एंट्री कर दिया बट ये ना के बराबर ही है। अभी हम वो भी समझेंगे। तो पहला केस हम लेके चल रहे हैं कि एंट्री इज नो नीडेड टू बी पास्ड। मैं यहां पे नो लिख रहा हूं, नो एंट्री इज नीडेड टू बी
पास्ट, ठीक है, फर्स्ट केस हम ये लेके चल रहे हैं। तो इस केस में चलिए शुरुआत कीजिए पहले नंबर से, क्या हुआ होगा सर? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैंक से लोन लिया होगा, पीछे वाला एग्जांपल ही ले लो, नया एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। पहले सर हमने 40 लाख रुपए का लोन लिया, ओके। तो जब हम 40 लाख रुपए का बैंक से लोन लेंगे, दैट मीन्स हमारा बैंक अकाउंट डेबिट और लाइबिलिटी साइड में सर, अब बैंक लोन से लाइबल हो गए हम, टू बैंक लोन, और लोन बैंक देता है तो टू बैंक लोन कितना, 40 लाख एंड 40 लाख। नरेशन लिख देना कि लोन टेकन बाय बैंक। समझ में आया इतना पॉइंट कि नहीं आया? हाँ जी सर, इतना पॉइंट समझ में आ गया। सर स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू क्या था? सर स्टेप नंबर टू ये था, हमने उनको बोला कि 40 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है मैं एज अ मॉर्टगेज आपके पास रख रहा हूँ। बच्चों मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दो, 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, इसको एज अ गिरवी आपके पास रख रहा हूँ। वेदर इफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसमें आपसे पूछूं, वेदर एन अकाउंटिंग एंट्री विल बी पास्ड ऑफ इट? नहीं सर, ऑलरेडी आप बता चुके हैं सर, वो तो एक तरीके के कागजात बन रहे हैं जिसमें लिखा जा रहा है। एसेट तो अभी भी आपके पास है, एसेट नहीं जा रही है, एसेट जा सकती है सर, धमकी दे रहे हैं, एसेट जा सकती है सर, अगर आपने लोन नहीं लौटाया ना सर वापस, तो बैंक वाले इस एसेट पे कब्जा कर लेंगे। सो वेदर, बात छोड़ दो वाली, सो वेदर द एंट्री ऑफ मॉर्टगेज विल बी पास्ड? नो सर, वो तो कागज का टुकड़ा है। तो मॉर्टगेज एंट्री यहां लिख दीजिए, नो एंट्री, कोई एंट्री इसकी पास नहीं होगी। और स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री क्या था कि डिबेंचर्स जो हमने गिरवी रखे हैं, क्या इसकी एंट्री करनी है कि नहीं करनी है? तो फर्स्ट केस में मैंने लिखा है कि नहीं करनी, तो बच्चों थर्ड एंट्री तो होनी ही नहीं है कि जो डिबेंचर्स इशूड एज कॉलेट्रल सिक्योरिटी, सर इसकी तो एंट्री नहीं होनी। सो बच्चों फर्स्ट केस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि नो एंट्री इज नीडेड टू बी पास्ड फॉर डिबेंचर्स इशूड एज कॉलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है। ये वाला मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, ये वाला केस मैंने करवा दिया। अब जो सेकंड नंबर वाला केस है वो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं, ऐसे करके आपने चलना है, ठीक है। सो इसमें सेकंड केस क्या आएगा बच्चों, एंट्री इज नीडेड टू बी पास्ड, एंट्री इज नीडेड टू बी पास्ड फॉर इशूइंग डिबेंचर्स, एंट्री इज नीडेड टू बी पास्ड फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज कॉलेट्रल सिक्योरिटी। मुझे फटाफट से ये एंट्री शुरुआत करने से पहले बता दो, क्या डिबेंचर्स असली में इशू हो रहे हैं? नहीं सर हो रहे, हम सिर्फ उसको एज अ दिखाएंगे कि हमने एज अ गिरवी एज अ कॉलेट्रल सिक्योरिटी रख दी है। भगवान ना करे सर अगर हम इसके पैसे नहीं दे पाते लोन के, तो डिबेंचर्स इशू करने की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तब शुरू होंगी, अभी सर हमने सिर्फ एज अ गिरवी रखे हैं, समझे। तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, सर बैंक से सर लोन लिया। बच्चों ये वाला पार्ट अलग है, अगर क्वेश्चन आता है कि नो एंट्री इज नीडेड टू बी पास्ड, तब भी तो बैंक से स्टार्ट करोगे ना लोन से, और ये वाला जो केस है वो अलग है, इसमें भी बैंक से स्टार्ट करोगे, एक नया केस है। तो फर्स्ट एंट्री इसमें क्या होके चलेगी, सर बैंक का पैसा आ गया और सर लाइबिलिटी साइड में सर लोन खड़ा हो गया, ओके। सो बैंक लोन अकाउंट, अभी धीरज रखिए सब कुछ बताएंगे, ठीक है। और जो 20 लाख रुपए का मॉर्टगेज रखा है, क्या उसकी एंट्री होएगी, उसमें लिख दीजिए नो सर, नो एंट्री विल बी पास। स्टेप नंबर थ्री सर, जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं एज अ कॉलेट्रल सिक्योरिटी, मन ही मन सर मैं जानता हूं ये फेक है, हमने इशू नहीं किए, सो देर इज अ नीड बच्चों रट्टा नहीं मारना प्लीज, देर इज अ नीड टू पास अ फेक एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स, यस और नो? यस सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, देर इज अ नीड टू पास अ फेक एंट्री ऑफ इट। तो मुझे फटाफट से बच्चों बता के चलो कि जब भी डिबेंचर्स इशू करते हैं तो क्या एंट्री होती है, सर डिबेंचर्स हम बढ़ा देते हैं कितने से, मान लीजिए ये इंटरेस्ट रेट प्रीफिक्स करते हैं, तो 10% का इंटरेस्ट रेट था टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। जब भी डिबेंचर्स इशू करते हो तो क्या एंट्री करते हो, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, क्या ये आपने इशू किए हैं? दोबारा सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये आप लोगों ने इशू किए हैं? नहीं सर। सो देर इज अ नीड टू मेक अ फेक एंट्री ऑफ इट, वही फेक एंट्री बना रहे हैं, फेक वर्ड सुना ना, एक झूठी एंट्री सर बनानी पड़ेगी, क्योंकि केस नंबर टू ये कह रहा है कि एंट्री तो बनानी पड़ेगी, चाहे फेक एंट्री बनाइए। सर अभी सस्पेंस है,
मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना, आपको मैं कैसे लर्न करवा रहा हूँ देखिए। सर एक अभी सस्पेंस है, किस बात का बेटा, किस बात का सस्पेंस है सर? ये डिबेंचर्स इशू करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ गिरवी रखे हैं, ये डिबेंचर्स इशू करेंगे या नहीं करेंगे सर, वो आगे चल के पता लगेगा सर, ये अभी सस्पेंस है। कैसे सर? अगर लोन नहीं देंगे तो सर कंपनी वाले ले लेंगे सर, फिर हमें इशू करना पड़ेगा। अगर सर लोन उतार देंगे तो कंपनी वाले क्यों फिर सर जो चीज गिरवी है वो हमें वापस लौटा देंगे। तो सर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि ये इशू करेंगे कि नहीं करेंगे। देयर फॉर वी नीड टू ओपन अ फेक अकाउंट, एक फेक अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा, कि अभी सस्पेंस है कि होगा कि नहीं होगा। डिबेंचर्स पे अभी सस्पेंस है, एक ऐसा अकाउंट खोलिए, खुद बताइए इस अकाउंट का नाम क्या रखें। सर इसका अकाउंट का नाम रखिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट्स, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना? 20 लाख। 40 लाख मत लिख देना, 40 लाख में से 20 लाख का मॉर्गेज चला गया, उसकी नो एंट्री है, मान लो हो गई है वो, और बाकी कितना 20 लाख का प्रॉमिस किया था सर? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। इसका बैलेंस शीट पे भी प्रभाव शो करके चलना है। बट अब मुझे बात बता के चलिए सर, बैलेंस शीट में मैं मान रहा हूं आपकी बात, इसका प्रभाव शो करके चलेंगे, बट सर ओरिजिनली नहीं किए तो बॉल कौन रहा है कि ओरिजिनली शो करके चलो? कुछ फेक आइडिया से शो करके चलो ना बैलेंस शीट में, दिखाओ कि हमने सिर्फ दिखा दिया है, उतने से माइनस कर देना बाद में, क्या टेंशन है, वो भी सिखाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। ये एंट्री समझ में आई है कि नहीं आई, इसको मैं मार्क कर रहा हूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और बच्चों ये प्लीज क्रैम रट्टा नहीं मारना, ये एंट्री मैंने आपको समझा दी है, इसको बोलते हैं एक फेक एंट्री सिर्फ शो करने के लिए, हालांकि डिबेंचर्स इशू नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जर्नल एंट्रीज होती है कि एंट्री इज नो नीडेड टू बी पास फॉर डिबेंचर्स, जो गिरवी रखे हैं एंट्री इज नीडेड टू बी पास। और पहली एंट्री मैंने आपको बता दिया जिसमें नीडेड टू बी पास नहीं जरूरत होती, तो उसमें नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन करो, अभी बैलेंस शीट पढ़ेंगे, और जिसमें जरूरत होती है उसमें एक प्रॉपर एंट्री पास करके चलेंगे, बाकी मॉर्गेज की एंट्री नहीं पास करनी। उससे पहले मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि कैसे वर्क फ्लो पूरा रहता है, पहले कैसे करते थे कि लोगों से हम पैसा लेते थे और उनको डिबेंचर्स देते थे, बट अब बैंक जो अब कंपनी है वो बैंक से लोन लेने जा रहा है, कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी रखने के लिए सर मेरे पास घर है, बिल्डिंग है, बट सर पूरे पैसे नहीं पूरे कर पा रहा मैं लोन के गिरवी रखने के जितना उन्होंने मांगा है, तो सर मैं अपने डिबेंचर्स गिरवी रखवा देता हूँ, इशू नहीं करता, उसका आगे चल के पता लगेगा इशू होगा कि नहीं होगा। और इसका भी लॉजिक बच्चों मैंने आपको क्लियर कर दिया, 20 लाख का लोन है तो 40 लाख क्यों गिरवी रखूं, इसका भी एक एक लॉजिक मैंने आपको दिया, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन करके चलेंगे जिसमें मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में भी बताऊंगा, वर्डिंग्स वही रहेंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा वो आप खुद करेंगे जर्नल एंट्रीज वाला अच्छे से। अब जर्नल एंट्रीज नॉर्मल वाली एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं। अगर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी वाला प्रोसेस आ गया अभी मैं सिखाऊंगा, कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं। अगर दोनों चीजों को मिला दिया जाए कि नॉर्मल जर्नल एंट्री प्लस उसमें कोलैटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक भी है, तो क्या कर नहीं सकते? कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करके चलते हैं, तो आप सबकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन बना रहा है, आराम से पढ़ो, जो समझाया प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग ही चलना। कहता है अ कंपनी हैज रुपीज 10 लाख 12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019। बच्चों ये प्रीवियस ईयर के डिबेंचर्स जो इशू कर चुके हैं वो हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले ईयर के हैं। ड्यूरिंग द ईयर, अब इस ईयर की बात हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख रुपए, कंपनी ने 2 लाख रुपए का लोन लिया फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिबेंचर्स फॉर रुपीज 2,50,000 एज कलेटरल सिक्योरिटी। पहली चीज इसमें मॉर्गेज की बात नहीं हुई, इसमें प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखा। और दूसरी चीज जो मैंने प्रूव करनी थी, 2 लाख का लोन है बट 2.5 लाख गिरवी रखवा रहा है, बैंक समझदार है, उसको पता है भाई गड़बड़ी होगी, ऊपर थोड़ा रखवाओ, जो अभी भी मैंने आपको बात समझाई है। कहता सारा का सारा पैसा वो कॉलेट्रल सिक्योरिटी एज अ डिबेंचर्स बैंक को गिरवी रख के चल रहा है, इशू करके नहीं। उसके बाद कहता है पास द जर्नल एंट्री इफ एनी ऑल्सो शो हाउ द डिबेंचर्स एंड बैंक लोन विल अपियर इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। भैया ये शो करेंगे, टेंशन मत लो। तो फर्स्ट चीज इसमें फर्स्ट बनेगा, दोनों केसेस करवा दूं, चलिए दोनों केसेस करवा देता हूं। पहला केस कि व्हेन देयर इज नो नीड टू पास द एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कॉलेट्रल सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कॉलेट्रल सिक्योरिटी मतलब गिरवी रखे हैं, इश्यू नहीं किए। सो व्हेन नो एंट्री इज नीडेड टू बी पास्ड, व्हेन नो एंट्री इज नीडेड टू बी पास्ड फॉर इशू
ऑफ डिबेंचर्स एज कॉलेटरल सिक्योरिटी। तो इसमें सर सीधा सीधा हिसाब है क्या? सर इसमें सिर्फ एक ही एंट्री पास होगी? बिल्कुल एक ही एंट्री पास होगी। इसमें मेन चीज जो मैंने आपको समझानी है वो है बैलेंस शीट। तो पहली एंट्री पास कर लीजिए, कितने रुपए का लोन लिया है? कहता सर 2 लाख रुपए का लोन हुआ है। बच्चों 2.5 लाख मत लिख देना, 2.5 लाख गिरवी रखी है सिक्योरिटी, ठीक है? लोन तो 2 लाख का लिया। सो लोन की एंट्री क्या होती है सर? लोन की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। फटाफट से बताइए कितना, 1 2 3 4 5। एंड आई बिलीव आप नरेशन और प्रॉपर फॉर्मेट बना सकते हैं। हाँ जी सर बना सकते हैं। सर एक चीज और तो बताइए, मेन वाली चीज, इसका बैलेंस शीट में कैसे शो करके चलेंगे? बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप इस शब्द को पढ़ लो, तब तक मैं बैलेंस शीट बना लेता हूं, ठीक है? ये जो मैंने लिखवाया इसको पढ़िए। सो बैलेंस शीट मैं बना लेता हूं, इसमें आप लिखेंगे, ये तो लिख लोगे ना, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, ठीक है? यहां लिख लेता हूं 2020 31 मार्च की बैलेंस शीट। अब आपको समझ में आएगा जब मैंने बोला था कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर सर 2 कॉलम क्यों बनाते हो, अब समझ में आएगा ना, क्योंकि प्रीवियस कॉलम प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो दिया हुआ है डिबेंचर्स का, ठीक है? तो इसमें हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, बच्चों ये पढ़ो प्लीज आप तब तक, पर्टिकुलर्स, और इसमें हम लिख देते हैं नोट नंबर 1, और यहाँ लिख देते हैं करंट ईयर कौन से वाला है, ये है 2020 31 मार्च, और ये है 2019 ये है प्रीवियस ईयर, और एक खींच दीजिए यहाँ पे लाइन ऐसे। ओके ठीक है, सही चल रहा है अभी तक। और स्टार्टिंग कहाँ से होगी बच्चों? इसमें बैलेंस शीट मैच नहीं करवानी, कहीं बोलना शुरू हो जाओ अरे सर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, इसमें सिर्फ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला पॉइंट समझा रहे हैं, इसलिए मैच नहीं होगी आपकी बैलेंस शीट। तो इसमें आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के बाद तो सर वो आता है शेयर होल्डर फंड, उसके बाद सर शेयर कैपिटल, उसके बाद सर रिजर्व एंड सरप्लस, मैं जानता हूं आता है, बट इसमें डिबेंचर्स का पॉइंट आ रहे हैं, वो किस हेडिंग के अंडर आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये सारा कुछ अभी बैलेंस शीट जो बुक नंबर 3 है उसमें पढ़ के चलेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या आगे चलता है, इसमें आता है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी, ओके? और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर भी एक हेडिंग बनती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चलिए सर इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि कितने के डिबेंचर्स, ये डिबेंचर्स को शो करके चल रहा है, ठीक है? कितने के डिबेंचर्स मेरे पास पहले पड़े हुए थे वो तो फिल कर दीजिए। इसमें 31 मार्च 2019 के जो आउटस्टैंडिंग हैं वो कितने के पड़े हुए थे सर? 10 लाख रुपए के पड़े हुए थे, 1 2 3 4 5। अब यहां करंट ईयर में कितने के हैं उस पर चर्चा करके चलते हैं, ठीक है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या इंक्लूड होता है मुझे फटाफट से बताएंगे सर, अभी के लिए आप प्लीज हमें समझा दीजिए। मैं हम जानते हैं सर अभी तक आपने बैलेंस शीट नहीं बढ़ाई, और मैं मान भी रहा हूं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में इस क्वेश्चन के हिसाब से एक तो डिबेंचर्स इंक्लूड होगा और एक बैंक लोन इंक्लूड होगा, ठीक है? उसके अलावा अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। तो इसमें हम बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स टू अकाउंट्स, अमाउंट प्लीज बता दो, एक सेकेंड रुको अमाउंट देख लेता हूँ कितनी कितनी है। नोट्स टू अकाउंट में तो ऐसे रहेगा, ठीक है? ठीक है हाँ। तो इसमें हम क्या शो करके चलेंगे, इसमें हम ये शो करके चलेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिख दो, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने के डिबेंचर्स हमारे पास थे और कितने के और आ गए, ठीक है? पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज इसमें जो इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं जो एज अ कॉलेटरल सिक्योरिटी शो किए हैं वो शो नहीं करना, बच्चों समझ लो वो शो नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये लिख के चलिए, इसमें ये लिख के चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कि कितने के डिबेंचर्स हमारे पास आए हैं। सर पहले से हमारे पास डिबेंचर्स पड़े हुए थे कितने के सर? 10 लाख रुपए के पिछले साल से उतारे हैं, ठीक है? इसमें शो नहीं करना बट लिख जरूर दो। नोट्स टू अकाउंट का मतलब क्या होता है? वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स का मतलब ये होता है कि लिख दो शो नहीं करना है, ठीक है? तो इसमें आप लिख दो, इसमें आप ऐसे लिख के चलोगे इन एडिशन, ये वर्डिंग्स लिखवा रहा हूं डिट्टो जो लिखनी चाहिए आप लोगों को, इन एडिशन डिबेंचर्स फॉर रुपीज 2.5 लाख, डिबेंचर्स फॉर रुपीज 2.5 लाख हैव बीन इशूड एज कॉलेट्रल सिक्योरिटी। लिखने में क्या जा रहा है सर? शो नहीं कर रहे ना, क्योंकि आपने ऊपर क्या बोला कि देर इज नो नीड टू शो द जर्नल एंट्री ऑफ इट, दैट मीन्स यहां शो नहीं करेंगे, बट सर लिखने में क्या जा रहा है? लिख तो दो ना, पता तो लगता रहे कि कितने डिबेंचर्स का कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? ये हो गया डिबेंचर्स लिख दिए पीछे वाले साल के, 10 लाख उतार दिए। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है सर? एक तो होता है डिबेंचर, एक होता है बैंक लोन। क्या तुम लोगों ने बैंक लोन लिया है? हाँ सर लिया है। कितने का सर? 2 लाख रुपए का बैंक लोन लिया। तो बच्चों डिबेंचर्स के नीचे एक और हेडिंग बनाइए जिसमें हम लिखेंगे
बैंक लोन, और इसमें भी मेंशन कर दो ये बैंक लोन क्या फ्री का नहीं लिया हमने लोन, क्यों? क्योंकि सर इसमें कॉलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर्स की इशू करी है। तो बच्चों इसमें प्लीज लिख देना ऑन कॉलेटरल सिक्योरिटी। बहुत से बच्चे मुझे बोलेंगे सर जरूरत क्या है, बच्चों जरूरत पड़ती है एक तरीके की, हम नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं, इसमें सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं चाहे वो शो करो या ना करो, बट लिख जरूर देना ठीक है ना। सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज कितनी अमाउंट थी, ये थी हमारे पास 2.5 लाख रुपए, लिखना है बट असली में शो नहीं करना क्योंकि नो एंट्री। सो बैंक लोन कितने का था सर, बैंक लोन था हमारा 2 लाख रुपए, सो टोटल कितने का हो गया सर 12 लाख रुपया। सो लॉन्ग टर्म बॉरविंग्स जो मैंने पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि मैं अमाउंट इसमें लिख के चलूंगा, उसमें इंक्लूडेड थे डिबेंचर्स और उसमें इंक्लूडेड था बैंक लोन। मैंने यहाँ पे जो डिबेंचर्स शो क्या करने थे, नहीं सर उस परंपरा को मेंटेन रखा, इस वाले केस में शो नहीं करने थे तो नहीं शो किया। तो सीधा सीधा बच्चों यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5, आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त, ये चीज खत्म। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस दिखा के चलो, एंट्री में भी दैट मींस बैलेंस शीट में भी दिखा के चलो। तो क्या हम डिबेंचर्स को ऐसे थोड़ा बढ़ा देंगे, बढ़ाओ मत, पहले से ही बढ़ा के दिखाओ, माइनस कर दो बट दिखा के चलो, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, बट दिखा के चलो ठीक है। तो सेकंड केस क्या बोलता है कि मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं, व्हेन एंट्री इज नीडेड टू बी पास, ठीक है पूरा नहीं लिखूंगा यार क्योंकि आप लोग समझ गए हो, व्हेन एंट्री इज नीडेड टू बी पास्ड, जब एंट्री रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कॉलेटरल सिक्योरिटी इज नीडेड टू बी पास्ड। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 ये हुआ सर, पहली एंट्री तो करनी ही करनी है। ओके कौन सी बच्चा, ये होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कितने का, कितने का फटाफट से बताइए सर 2 लाख रुपए का, एंड सर इसमें शो करना है, बट सर इसमें एक फेक एंट्री पास करनी है जिसमें ये लगे कि कुछ नहीं पता। तो फेक एंट्री क्या बोलती है, कितना इंटरेस्ट रेट प्रिफिक्स करना है सर 12%, डिबेंचर्स अकाउंट सर क्रेडिट कर देंगे, कितने के डिबेंचर्स कर रहे हो, आगे जो इशू हो सकते हैं बट कितने के डिबेंचर्स गिरवी रख रहे हो, उसने बोला सर 2.5 लाख रुपए के कॉलेटरल रख रहे हैं, दैट मींस 2.5 लाख। एंड सर एक चीज बताऊं, कान आगे लाइए, मैं कान आगे लेके आया, कहता सर सस्पेंस बनाओ है अभी कि ये डिबेंचर्स होंगे कि नहीं होंगे, तो क्या दिक्कत है डेबिट में कर दो क्या, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। ओके ये क्या है बच्चों, मैं बिल्कुल मान रहा हूं आप सबकी बात कि क्यों करी सर, एक तरीके की फेक एंट्री है, मैं दोबारा बोल रहा हूं फेक एंट्री है ठीक है। अब मुद्दा क्या आया सर, मुद्दा आया इसकी बैलेंस शीट कैसे बन के चलेगी बच्चों, इसकी बैलेंस शीट में पहली चीज तो सर मुझे क्लियर है क्या सर, इसकी बैलेंस शीट में तो शो करना है, बट शो हम ऐसे नहीं करेंगे कि बढ़ा के, शो हम ऐसे करेंगे कि नॉर्मल दिख जाए कि हाँ भाई इन बच्चों ने हिसाब किताब करा हुआ ठीक है। तब तक आप देखिए क्या कर सकते हैं, तब तक मैं आपके लिए फॉर्मेट बना देता हूं। तो इसमें होता है हमारे पास पर्टिकुलर, ये होता है हमारे पास नोट नंबर, और ये होता है हमारे पास करंट ईयर, और ये होता है प्रीवियस ईयर। करंट ईयर क्या है सर, 2020 और 2019 सर, इसमें भी वही लिखेंगे ना, 10 लाख पीछे वाले साल से उतारे हैं, बिल्कुल लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे, चलिए लिखिए फटाफट से। और फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी सर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ओके इसमें भी वही चीज इक्विटी एंड लायबिलिटी ठीक है। उसके बाद सर इसमें हमारे पास रहेगा नॉन करंट लायबिलिटी, ओके नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद सर इसकी हेडिंग मेन जो रहेगी वो रहेगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, अभी बता चुका हूँ दोबारा पूछोगे क्या। सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में एक तो होता है डिबेंचर्स और एक होके चलता है बैंक का लोन। अब आ गई मजे वाली बात जो मुझे तुम लोगों को सिखानी है, नोट्स टू अकाउंट्स ठीक है, ये बना लीजिए और ऐसे बना लीजिए ठीक है। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख दीजिए कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग का सीन हम करने जा रहे हैं ठीक है। अब मुझे बता के चलो कि क्या उतारोगे सर, अगर हम 2.5 लाख रुपए उतार देते हैं डिबेंचर्स में ऐड कर देते हैं तो सर हमारे डिबेंचर्स 2.5 लाख से बढ़ जाएंगे, एंड देयर इज नो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ठीक है। तो ऐसा कुछ किया जाए कि डिबेंचर्स जो है हमने जो गिरवी रखे हैं वो शो भी हो जाए और वो उतने से बड़े भी ना, उतने के उतने ही रहे, 10 लाख के 10 लाख ही रहे, यहां पे 10 लाख लिख दो जो पीछे के डिबेंचर्स थे उतने के उतने रहे। तो एक काम करो ना, डिबेंचर्स पहले 10 लाख में 2.5 लाख प्लस कर दो, उसके बाद नीचे से माइनस कर देना, जब 12 लाख, 10 लाख प्लस 2 लाख 50 हजार कितने होते हैं 12 लाख 50 हजार, उसमें से जब माइनस कर दोगे 2.5 लाख रुपया तो कितना बचेगा, 10 लाख ही बचेगा ना। आपकी बात भी रख ली, कॉन्सेप्ट की बात भी रख ली, आपकी बात ये रखी कि हमने डिबेंचर्स को बढ़ाया नहीं, कॉन्सेप्ट की बात ये रख ली कि यू हैव टू शो इट
ऐसे कर लो। सो फर्स्ट स्टेप क्या करोगे बच्चों, फर्स्ट स्टेप आप करोगे 12% डिबेंचर्स। कैसे करोगे, 10 लाख प्लस 2.5 लाख, 10 लाख पहले वाले, 2.5 लाख के और कर दिए, कितना होता है, ये होता है 12,50,000। लेस लेस इसमें से क्या कर दोगे सर, अभी सस्पेंस है होगा कि नहीं होगा, लेस इसमें से कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस। ओके, कितने का करोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने का करोगे सर, ये था हमारा 2.5 लाख रुपए का। तो बच्चों कर करा के कितना बना सर, 10 लाख बन गया। आपकी बात भी रख ली और सर कॉन्सेप्ट की बात भी रख ली, 10 लाख आ गया और शो भी कर दिया डिबेंचर सस्पेंस को। और बच्चों लास्ट में क्या होता है सर, लास्ट में बचता है हमारे पास बैंक लोन, और बैंक लोन पे प्लीज लिख देना कि ये फ्री का बैंक लोन नहीं है, कॉलेट्रल हमने दे रखी है, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिख देना, ऑल ऑन सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 2.5 लाख, कितने का, ये सर 2 लाख रुपए का बैंक लोन लिया, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये दोनों आइटम्स इंक्लूड होती है। ओके ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 12 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या आएगा, 12 लाख। सो दोनों केसेस में 12 लाख 10 लाख है, चाहे आप इस केस की बात कर लो 12 लाख 10 लाख, चाहे आप इस केस की बात कर लो 12 लाख 10 लाख, सिर्फ एक अप्रोच का फर्क है। वो अप्रोच बच्चों ये थी कि आपको शो करना है कि नहीं करना, अगर नॉर्मल क्वेश्चन में गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बट आप शो करके चलेंगे, जिसमें डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीफिक्स इंटरेस्ट रेट डिबेंचर्स अकाउंट बन के ही चलेगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश के साथ आपको अच्छे से ये चैप्टर समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर कामयाब रहा हूँ तो बच्चों ज़रूर लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना कि सर अच्छे से समझ में आ गया। और आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, ठीक है ना। वी विल रिप्लाई यू, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, द नंबर ऑफ ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको देके चल रहा हूँ, इसी से रिलेटेड देके चल रहा हूँ, उसमें प्रॉपर जर्नल एंट्रीज है, मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बनाना सिखा दी हैं और कोलेट्रल सिक्योरिटी की भी जर्नल एंट्रीज बनाना सिखा दी हैं। थोड़ा समझिए करिए, निकल जाएगा क्वेश्चन, अगर नहीं निकलेगा तो डाउट पूछ लेना। तो चलिए बच्चों मिलते हैं तब तक के लिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।